अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आप लोगों के डिमांड पर मैं 120 क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं, पूरी हिस्ट्री इंडो इस्लामिक पूरी लेकर, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। अभी 120 क्वेश्चंस हैं जो पूरे इंडो इस्लामिक और हिस्ट्री से कवर करेंगे, जो आपके 11 एंट्रेंस BA और जहाँ जहाँ इंडो इस्लामिक हिस्ट्री आती है वहाँ आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगे। तो चलिए आज की मोस्ट अवेटेड वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और बच्चों, इसको आपको अच्छे से कर लेना है और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस इन 1195, 1199, 1191 या 1192। तो इसका सही आंसर है 1191। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूलर हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था। इल्तुतमिश, बलबन, औरंगजेब या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर है बलबन। हु इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी इन दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो बच्चों, इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी चलाई थी। या इसको बदल के कैसे पूछ सकते हैं, हु रिप्लेस्ड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स विद कॉपर कॉइन्स। यही क्वेश्चन है बच्चों, यही टोकन करेंसी। इसको बदल के कैसे पूछ सकते हैं, हु रिप्लेस्ड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स विद कॉपर कॉइन्स। आंसर सेम ही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, द रूलर हु ट्रांसफर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो इसका सही आंसर क्या है, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या जहांगीर। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। बच्चों, आगरा का शहर सिकंदर लोदी ने ही बनाया था और पहली दफ़ा आगरा को अपनी कैपिटल भी बनाया सिकंदर लोदी ने। ओके, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट आईने अकबरी। आईने अकबरी, अकबर, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना या अल बिरूनी। तो बच्चों, इसका सही आंसर है अबुल फजल। आईने अकबरी पूछ लें या अकबरनामा पूछ लें, दोनों किसने लिखी हैं, अबुल फजल। एक्चुअली अकबरनामा ही है पूरी एक। अकबरनामा के बच्चों 3 वॉल्यूम हैं। अकबरनामा के कितने वॉल्यूम हैं, 3। अगर एडवांस क्वेश्चन पूछ लिया जाए अकबरनामा के कितने वॉल्यूम है, तो 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो थर्ड वॉल्यूम है वो क्या है, वो आईने अकबरी है। अकबरनामा का थर्ड वॉल्यूम क्या है, आईने अकबरी। और आईने अकबरी के बच्चों खुद के 5 वॉल्यूम हैं, इसके भी 5 वॉल्यूम हैं, इसके 5 वॉल्यूम हैं, ठीक है, 5 वॉल्यूम। आईने अकबरी के भी 5 वॉल्यूम हैं। अकबरनामा के 3 वॉल्यूम हैं और तीसरा वॉल्यूम जो है वो आईने अकबरी है। आईने अकबरी के 5 वॉल्यूम हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस 14th century अटाला मॉस्क is located in which of the following city, अजमेर, जौनपुर, लखनऊ, भोपाल। तो अटाला मस्जिद कहाँ है, ये है जौनपुर में। ये नया टॉपिक ऐड हुआ है बच्चों, उससे क्वेश्चन मैंने डाला है। अटाला मस्जिद कहाँ पर है, तो वो जौनपुर में है। और बच्चों, ये बनाई किसने थी, इब्राहिम शाह शर्की ने बनाई थी बच्चों, ठीक। और या फिर आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अटाला मॉस्क वॉज बिल्ड बाई लोधी रूलर्स, तुगलक रूलर्स, शर्की रूलर्स या मुगल रूलर्स। तो इसका आंसर होगा शर्की रूलर्स, ठीक है। और इस मस्जिद का कैसा स्टाइल है, तो शर्की स्टाइल। ओके, शर्कियों ने बनाई थी इसलिए शर्की स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल तोताए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी। पैरट ऑफ इंडिया, तोताए हिंद, मैंने आपको बताया है किसको कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। और बच्चों, ये फादर ऑफ कव्वाली भी कहलाते हैं। तबला सितार की इन्वेंशन भी इन्होंने की है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टूम्ब ऑफ ख्वाजा गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह इज लोकेटेड एट। तो क्या नाम है, ख्वाजा गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह की टूम्ब कहाँ है, दरगाह कहाँ है, औरंगाबाद, अजमेर, गुलबर्गा या दिल्ली। तो इसका सही आंसर है बच्चों गुलबर्गा। और गुलबर्गा कहाँ है बच्चों, तो ये है कर्नाटका में। कर्नाटका, कर्नाटका में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी नया टॉपिक ऐड हुआ है सूफिज्म में आपके, तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नोन एज दी मुजद्दिद अल फसानी। मुजद्दिद अल फसानी किसको कहा जाता है, शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद सिरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह। तो इसका सही आंसर है बच्चों शेख अहमद सिरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अहमद सिरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह को मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से जाना जाता है और ये वही हैं जिन्होंने अकबर के चलाए हुए दीन इलाही को अपोज किया था स्ट्रांगली और उसमें ये कामयाब भी हुए थे। इनकी दरगाह सिरहिंद में है और इनकी दरगाह को रोज़ा शरीफ भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप। और ये बच्चों नक्शबंदी सिलसिले के हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि शेख अहमद सिरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह किस ऑर्डर के हैं, तो नक्शबंदी सिलसिले के। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द शेखुल हिंद। शेखुल हिंद किसको कहा जाता है? मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना शौकत अली जौहर, सर सैयद अहमद ख़ान या मौलाना शिबली नोमानी। इसका सही आंसर है मौलाना महमूदुल हसन। बच्चों शेखुल हिंद भी इनको कहा जाता है और ये देवबंदी लीडर्स में से एक हैं और ये वाला भी टॉपिक नया ऐड हुआ था आपके सिलेबस में 11th एंट्रेंस के सिलेबस में, तो शेखुल हिंद इनको कहा जाता है। और तहरीक रेशमी रुमाल, तहरीक रेशमी रुमाल आंदोलन भी इन्होंने चलाया था, यानी कि सिल्क लेटर मूवमेंट भी, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर सर सैयद वाज पोस्टेड ड्यूरिंग द म्यूटिनी ऑफ 1857। 1857 की म्यूटिनी के वक्त सर सैयद कहाँ पोस्टेड थे? अलीगढ़, गाजियाबाद, बिजनौर या मुरादाबाद। तो इसका सही आंसर है बिजनौर, याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेरशाह। शेरशाह का बच्चों असली नाम क्या था? सुल्तान, फरीद, खुर्रम या सलीम। तो बच्चों इसका सही आंसर है फरीद। शेरशाह का असली नाम है फरीद, याद रखेंगे। और खुर्रम किसका नाम था बच्चों? तो खुर्रम था शाहजहां का नाम, शाहजहां का नाम, ठीक है। और सलीम कौन है? तो सलीम है जहांगीर, ठीक है, सलीम है जहांगीर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, शाहनामा वाज रिटन बाय। शाहनामा किसने लिखी? अलबिरूनी, फैजी, फिरदौसी या कौटिल्य। तो इसका सही आंसर है बच्चों फिरदौसी, फिरदौसी ने लिखी। और फिरदौसी और एक और भी हैं अलबिरूनी, उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? किताबुल हिंद। ये दोनों किसके दरबार में थे बच्चों? तो ये थे महमूद गजनवी के दरबार में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर इज नोन एज द लाख बख्श। लाख बख्श किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों इनके पास टाइटल मलिक और सिपा सालार का भी टाइटल है और कुरान ख्वां का भी टाइटल इनके पास है, याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर इन इंडिया वाज मुमताज महल, रजिया सुल्ताना, अहमदी बेगम या नूरजहां। तो इसका आंसर रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्तान फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर। या आपसे अगर पूछ ली जाए फर्स्ट फीमेल रूलर कौन है तो भी आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर पूछ लें या फर्स्ट फीमेल रूलर पूछ लें इन इंडिया तो भी आंसर रजिया सुल्तान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव दी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। शाहजहां, जहांगीर, फिरोज खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किसने दी थी? बहुत अच्छे से बताया मैंने बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो क्या क्या दिए थे? मार्केट रिफॉर्म्स किए, मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, लैंड रिफॉर्म्स किए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी से सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अब बताइए कौन है? फिरोज खिलजी, खजर खान, मलिक अल्तुनिया या बहरम शाह। तो फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी हैं खजर खान, खजर खान, याद रखेंगे बच्चों खजर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन। पहली पानीपत की लड़ाई कब हुई? 1530, 1525, 1526 या 1527। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है? 1526। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1526। बच्चों मैंने और किस किस के बीच में हुई थी ये? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर की मैंने लड़ाई आपको सब याद कराई थी, ट्रिक से याद आया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया मर गया। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, 29 में घर गया, 30 में मर गया, याद आई वो ट्रिक, ठीक है। 26 में पानी पिया का मतलब पानीपत की लड़ाई 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। खाना खाया से मतलब बैटल ऑफ खानवा 1527, ठीक है। 28 में चांद देखा से मतलब बैटल ऑफ चंदेरी 1528। 29 में घर गया से मतलब बैटल ऑफ घाघरा 1529 और 30 में मर गया, डेट मीन्स 1530 में बाबर की डेथ हो गई। काबुल अफगानिस्तान में इनको दफना दिया गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट हुमायूं नामा? हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खान, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसका सही आंसर है बच्चों गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट दहलीज पुराना किला? दिल्ली का पुराना किला किसने बनाया? शेर शाह सूरी, शाहजहां, हुमायूं या अकबर? तो बच्चों इसका सही आंसर है शेर शाह सूरी। ये गूगल पे आंसर भी आपको गलत मिलेगा, ज़्यादातर हुमायूं आ जाता है, जबकि दिल्ली का पुराना किला शेर शाह सूरी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुम्बज इज द टूम्ब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान? गोल गुम्बज किस सुल्तान का मकबरा है? ये भी नया टॉपिक ऐड हुआ है 11th एंट्रेंस में। तो किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, यूसुफ आदिल शाह या सिकंदर आदिल शाह? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और गोल गुम्बज है कहाँ बच्चों? तो ये है बीजापुर, कर्नाटका में। याद रखेंगे गोल गुम्बज है कहाँ? बीजापुर। बीजापुर, जिसका नया नाम क्या हो गया है? विजायापुरा। विजायापुरा, ठीक, कर्नाटका। कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका में। तो गोल गुम्बज है कहाँ? बीजापुर, जिसका नया नाम क्या है? विजायापुरा, कर्नाटका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर वाज द डिसिपल ऑफ विच सेंट? कबीर किसके डिसिपल थे? तुलसीदास, रामानंदा, रामानुजा या माधवाचार्य? तो इसका सही आंसर है रामानंदा। कबीर रामानंदा के डिसाइबल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टूम्ब ऑफ बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह इज लोकेटेड एट? पाकपट्टन, अजमेर, दिल्ली, गुलबर्गा? तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कहाँ पर है? तो बच्चों ये पाकपट्टन, पाकिस्तान में है। पाकपट्टन, पाकिस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन को अगर टफ बना दिया गया तो पाकपट्टन के अंदर भी एक जगह है। पाकपट्टन के अंदर एक जगह है अजोधन। अजोधन, ये भी याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में पाकपट्टन ना दे के अजोधन दे दिया तो भी आप कर लोगे, ठीक है। तो बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र, दरगाह कहाँ पर है? तो पाकपट्टन, पाकिस्तान। और पाकपट्टन के अंदर भी अजोधन एक जगह है, वहाँ पर है। सर सैयद एस्टेब्लिश साइंटिफिक सोसाइटी एट? सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ बनाई? बनारस, गाजीपुर, बिजनौर या मुरादाबाद? तो सही आंसर है गाजीपुर। द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ सर सैयद इज? सर सैयद की वाइफ का नाम क्या है? पारसा बेगम, अजीज़ुन्निसा, रज़िया बेगम या अफसाना बेगम? तो इसका सही आंसर है पारसा बेगम। सर सैयद की वाइफ का नाम क्या है? पारसा बेगम। और मदर का क्या नाम है? तो अजीज़ुन्निसा। ये सर सैयद की कौन थी? ये सर सैयद की मदर हैं, ठीक है, मदर हैं, ये सर सैयद की मदर हैं, अजीज़ुन्निसा। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ अल गजाली एंड अल मामून? अल गजाली, अल मामून के ऑथर कौन है? सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिबली नोमानी या शाह वलीउल्लाह? तो इसका सही आंसर है शिबली नोमानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। इन विच लैंग्वेज मोहम्मद अली जौहर स्टार्टेड कॉमरेड न्यूज़पेपर? ठीक है, कॉमरेड न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में था? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश या तुर्किश? तो बच्चों इसका सही आंसर है इंग्लिश। तो बच्चों मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने दो न्यूज़पेपर निकाले थे, एक कॉमरेड जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था और ये हफ्ते में एक बार आता था, ये वीकली था, और दूसरा था हमदर्द, जिसका पूरा नाम नकीब हमदर्द है, वो उर्दू में था और वो डेली था, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा था? नकीब हमदर्द। नकीब हमदर्द भी इन्होंने चलाया था, ठीक है, नकीब हमदर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who started the newspaper Al-Hilal and Al-Balagh? Al-Hilal and Al-Balagh किसने चलाया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शिबली नोमानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना शौकत अली? तो इसका सही आंसर है बच्चों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दो अखबार चलाए थे, अल-हिलाल और अल-बलाग, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अल-हिलाल 1912 में चलाया था और अल-बलाग 1915 में चलाया था। अल हिलाल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन भी किया था और इसको अल हिलाल को रीस्टार्ट किया था 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक सीरतुन नबी इज रिटन बाय? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शिबली नोमानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना शौकत अली? तो इसका सही आंसर है बच्चों मौलाना शिबली नोमानी। सर सैयद कंपोज पोएट्री आफ्टर द नेम? सर सैयद का पेन नेम क्या था? पोएट्री नेम तखल्लुस। तो सर सैयद का पेन नेम क्या था? वो था आही। आही के नाम से ये लिखा करते थे, ठीक है। सर सैयद कंपोज पोएट्री आफ्टर द नेम आही याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड दी बायोग्राफी ऑफ सर सैयद अहमद खान? सर सैयद अहमद खान की बायोग्राफी किसने लिखी? शिबली नोमानी, अल्ताफ हुसैन अली, नज़ीर अहमद या रौस मसूद? तो इसका सही आंसर है अल्ताफ हुसैन अली। सर सैयद की बायोग्राफी लिखी है अल्ताफ हुसैन अली, और वो बच्चों किस नाम से लिखी है? तो इन्होंने लिखी है हयाते जावेद नाम से। किस नाम से? हयाते जावेद, हयाते जावेद याद रखेंगे। सर सैयद की बायोग्राफी का नाम क्या है? हयाते जावेद। किसने लिखी? मौलाना अल्ताफ हुसैन अली ने। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद रोड खुतूबात अहमदिया एज रिप्लाई टू दी बुक ऑफ। सर सैयद ने खुतुबात अहमदिया जो बुक है वो किसके रिप्लाई में लिखी थी? तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, डब्ल्यू हंटर या विलियम मोयर? तो ये लिखी थी विलियम मोयर के रिप्लाई में। तो ये विलियम मोयर एक बदबख्त था जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के इरादे से एक किताब लिखी थी जिसका नाम था लाइफ ऑफ मोहम्मद। तो सर सैयद ने इस किताब का जवाब अपनी एक किताब से दिया था जिसका नाम था खुतुबात अहमदिया, और ये दुनिया भर में बहुत फेमस हुई थी और उस बदबख्त को बहुत ही करारा जवाब मिल गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड दी फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हजरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था? मौलाना हजरत मोहानी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस और इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव दी रिवोल्यूशन, ये नारा किसने लिखा स्लोगन? तो मौलाना हसरत मोहानी, जिनका असली नाम था सैयद फजलुल हसन हसरत, इनका पेन नेम था। ठीक है, और जाने माने शायर थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट चांसलर ऑफ एएमयू वाज? एएमयू की पहली चांसलर कौन थी या थे? सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर सरजियाउद्दीन, नवाब सुल्तान जहां बेगम ऑफ भोपाल, राजा अली मोहम्मद खान ऑफ महमूदाबाद? तो एएमयू के पहले चांसलर जो थी वो थी नवाब सुल्तान जहां बेगम ऑफ भोपाल। एएमयू की पहली चांसलर, एएमयू की पहली चांसलर नवाब सुल्तान जहां बेगम ऑफ भोपाल। इस वक्त कौन है? इस वक्त है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन चांसलर जो है। ठीक है, और वाइस चांसलर कौन है इस वक्त? इस वक्त है प्रोफेसर नईमा गुलरेज, नईमा गुलरेज जो नई वाइस चांसलर बनी है एएमयू की इस वक्त, और वो एएमयू की पहली लेडी वाइस चांसलर बनी है, पहली फीमेल वाइस चांसलर बनी है। कौन? प्रोफेसर नईमा गुलरेज इस वक्त। ओके, अजीजुल निसा व सर सैयद? अभी मैंने आपको बताया था अजीजुल निसा कौन थी सर सैयद की, तो वो थी मदर। सर सैयद रोट अ बायोग्राफी ऑफ हिज मैटरनल ग्रैंडफादर व्हिच इज टाइटल्ड? सर सैयद ने अपने नाना की बायोग्राफी भी लिखी है, उसका नाम क्या है? तो वो है सीरत फरीदिया। बच्चों, सीरत फरीदिया, ख्वाजा फरीदुद्दीन नाम था उनका। सर सैयद के नाना का नाम क्या था? ख्वाजा फरीदुद्दीन। तो इनके नाम पर ही इन्होंने बायोग्राफी लिखी अपने नाना की, उसका नाम है सीरत फरीदिया, याद रखेंगे। ठीक है, सीरत फरीदिया। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद रिसीव द टाइटल ऑफ जवादुद्दौला आरिफ जंग फ्रॉम द मुगल कोर्ट इन? सर सैयद को जवादुद्दौला आरिफ जंग जो टाइटल है वो मुगल दरबार से मिला था, बहादुर शाह जफर के दरबार से मिला था, और एक कब मिला था बच्चों? तो ये मिला था 1842 में, 1842 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद एस्टेब्लिश्ड गुलशन स्कूल एट? सर सैयद ने गुलशन स्कूल कहाँ बनाया? तो बनाया बच्चों इन्होंने मुरादाबाद में। सर सैयद ने गुलशन स्कूल मुरादाबाद में बनाया था, विक्टोरिया स्कूल गाजीपुर में बनाया था। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी भी गाजीपुर में बनाई थी। हु लॉन्च दी फेमस मूवमेंट तहरीक रेशमी रुमाल? अभी मैंने आपको बताया था तहरीक रेशमी रुमाल किसने चलाया? तो मौलाना महमूदुल हसन ने। ठीक है, जिनको शेखुल हिंद भी कहा जाता है, मौलाना महमूदुल हसन ने तहरीक रेशमी रुमाल, या इंग्लिश में इसको कहते हैं सिल्क लेटर मूवमेंट, ओके, हिंदी में कहते हैं रेशमी रुमाल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ दी ऑथर ऑफ द बुक गुबारे खातिर? गुबारे खातिर किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखेंगे। गुबारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है, और इंडिया विंस फ्रीडम भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंट किताब गुबारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम और तर्जुमानुल कुरान, ये तीनों याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एमयू कॉलेज वाज लेड डाउन बाय? एमएओ कॉलेज की फाउंडेशन स्टोन किसने रखी? तो इसका सही आंसर है बच्चों लॉर्ड लिटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लॉर्ड लिटन ने रखी। हु इज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, शिबली नोमानी, ईश्वरी प्रसाद। तो सही आंसर है ईश्वरी प्रसाद, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एमएओ कॉलेज वाज? एमएओ कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो बच्चों ये थे मिस्टर HGI सिडन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमयू तराना वाज कंपोज बाय? एमयू तराना किसने कंपोज किया है? तो वो किया है असरारुल हक मजाज ने, असरारुल हक मजाज ने, याद रखेंगे बच्चों, असरारुल हक मजाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द सुल्तानुल हिंद? सुल्तानुल हिंद किनको कहा जाता है? बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, या शेख अहमद सिरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह। तो सुल्तानुल हिंद कहा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को, और इनको गरीब नवाज भी कहा जाता है। और इंडिया में चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर भी ख्वाजा गरीब नवाज या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बिलोंग्स टू विच सूफ़ी ऑर्डर? तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कौन से सिलसिले को बिलोंग करते हैं? तो ये चिश्ती सिलसिले को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who wrote the book हज्जतुल बालिगा या हज्जतुल्ला बालिगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हज्जतुल बालिगा किसने लिखी है किताब? तो लिखी है शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने लिखी है। और ये भी बच्चों नक्शबंदी सिलसिले के हैं। अगर पूछ लें शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कौन से सिलसिले के हैं, तो ये भी नक्शबंदी सिलसिले के हैं। शेख अहमद सिरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह और शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों नक्शबंदी सिलसिले के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी जितने आपने पढ़े हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, और ख्वाजा गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और अमीर खुसरू, ये सब चिश्ती सिलसिले के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर? टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहा जाता है बच्चों? तो टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को, टीपू सुल्तान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ दी फर्स्ट मॉस्क ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की पहली मॉस्क कौन सी है? तो दिल्ली सल्तनत की पहली मॉस्क है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द टूम्ब ऑफ अकबर लोकेटेड? अकबर की टूम्ब कहाँ थी? तो बच्चों वो थी सिकंदरा में, अकबर की टूम्ब सिकंदरा में, ठीक है। हु इज़ नोन एज द दरवेश और जिंदा पीर? दरवेश और जिंदा पीर किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है औरंगज़ेब को, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर हु इंट्रोड्यूस कॉइंस तंका एंड जीतल इन हिज किंगडम? तंका और जीतल नाम के सिक्के किसने चलाए थे? तो वो चलाए थे इल्तुतमिश ने। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुमताज़ महल? मुमताज़ महल का असली नाम क्या है? तो वो है बच्चों अर्जुमन बानो बेगम। मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमन बानो बेगम, और ये कौन थी? तो ये थी शाहजहाँ की वाइफ, शाहजहाँ की वाइफ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्ने बतूता हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वास फ्रॉम? इब्ने बतूता कहाँ से आया था? तो वो आया था बच्चों मोरक्को, अफ्रीकन कंट्री मोरक्को से आया था। द बैटल ऑफ चौसा वास फॉट इन? चौसा वाली लड़ाई कब हुई है? तो बैटल ऑफ चौसा हुई है बच्चों 1539 में, 1539 में हुई है बैटल ऑफ चौसा। 1540 में हुई थी बैटल ऑफ कन्नौज, जिसका दूसरा नाम है बैटल ऑफ बेलग्राम। बैटल ऑफ चौसा किस किस के बीच में हुई थी? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर हु इंट्रोड्यूस कॉइंस रुपया एंड दाम इन हिज किंगडम? ठीक है, रुपया और दाम नाम से सिक्के किसने चलाए थे? तो वो बच्चों चलाए थे शेरशाह सूरी ने, ठीक है। किताबुल हिंद वाज रिडन बाय? ये मैंने बताया था अभी, किताबुल हिंद किसने लिखी? तो वो लिखी अल बिरूनी ने। हु बिल्ड अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था बच्चों। अलाई दरवाज़ा दहली वाज बिल्ड बाय? अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था? तो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने बच्चों। और अलाई दरवाज़ा है क्या? ये कुव्वतुल इस्लाम जो मॉस्क है, दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, उसी का दरवाज़ा है, ठीक है। अलाई दरवाज़ा कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का दरवाज़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन हैं? तो वो हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। एकतादारी सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो इल्तुतमिश ने। मैंने आपको बताया था, हिंट दी थी कैसे याद करना है एकतादारी सिस्टम। देखो, आई से इल्तुतमिश, आई से एकतादारी, इल्तुतमिश, आई से इल्तुतमिश, आई से एकतादारी, अल्तमश भी कहते हैं इल्तुतमिश को, ठीक है। एकतादारी सिस्टम किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड इंडिया इन, मोहम्मद बिन कासिम ने कब हमला किया था? तो 712 AD में, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आपको मैंने पूरा डिटेल में बनाया था, बताया था कि स्टार्ट किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने। फ्लोर वाइज भी बताया था, बेस फ्लोर या पहला फ्लोर किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। अगर पूछ लें कुतुब मीनार का पांचवा फ्लोर किसने बनाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। या कुतुब मीनार की बड़ी मरम्मत, मेजर रिपेयरमेंट किसने कराई? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी के दो और नाम बताए थे बच्चों मैंने, इलबरी और ममलूक। तो सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं, ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? अभी बताया, इल्तुतमिश ने। द सेकंड बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस, सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी? तो 1192 में। फर्स्ट वाली 1191 में, सेकंड वाली 1192 में। किस किस के बीच में हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में। पहली वाली कौन जीता? तो पृथ्वीराज चौहान। दूसरी वाली कौन जीता? तो मोहम्मद गौरी। द रूलर हु डाइड वाइल प्लेइंग पोलो, पोलो खेलते वक्त किसकी डेथ हुई थी? तो वो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। पोलो को उस वक्त क्या कहते थे बच्चों? तो पोलो का उस वक्त पुराना नाम था चौगन, चौगन, ठीक है, चौगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम, तो वो क्या है? अली गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या है? तो अली गुरशास्प। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who built the city of तुगलकाबाद, तुगलकाबाद सिटी किसने बनाई? तो बच्चों ये बनाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने। और ये फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी भी थे, ठीक है। द बैटल ऑफ चंदावर टुक प्लेस इन, बैटल ऑफ चंदावर कब हुई है बच्चों? तो 1194 में। बैटल ऑफ चंदावर किस किस के बीच में? मोहम्मद गौरी और किसके बीच में? कन्नौज का किंग कौन था? राजा जयचंद, ठीक है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुई है बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने ये लड़ाई जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूम्ब ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इज लोकेटेड इन, कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र कहाँ है? तो वो है लाहौर में, अनारकली बाजार लाहौर, ठीक है। द फर्स्ट इस्लामिक मौसोलियम इन दिल्ली सुल्तान गारी वाज बिल्ट बाय, ठीक है। तो दिल्ली का पहला इस्लामिक मकबरा किसने बनाया था? तो बनाया था इल्तुतमिश ने। ये मैंने आपको बताया था सुल्तान गारी, इसको हिंदी में सुल्तान गढ़ी भी कहते हैं। ये इनके बेटे की कब्र है और ये ऑक्टागोनल शेप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? अभी मैंने आपको बताया गयासुद्दीन तुगलक। इब्ने बतूता हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज फ्रॉम मोरक्को, याद रखिएगा, ये अभी बताया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वास, मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम, तो बच्चों जौना खान था। मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम जौना खान, ठीक है। द रूलर हु एस्टेब्लिश दीवान खैरात, दीवान खैरात किसने चलाया था? तो ये चलाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान खैरात क्या था? ये चैरिटी डिपार्टमेंट था। ऐसे ही दीवान इश्तियाक चलाया था, वो क्या था? पेंशन डिपार्टमेंट। दीवान बंदगान स्लेव डिपार्टमेंट। Who built the city of जौनपुर, जौनपुर किसने बनाई थी? तो बच्चों फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बच्चों 6 सिटीज़ बनाई हैं, जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, हिसार और फिरोज शाह कोटला, ठीक है। Who wrote फतूहाते फिरोज शाही, फतूहाते फिरोज शाही किसने लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। ओके, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हजार दीनारी, हजार दीनारी का असली नाम क्या था? तो वो था मलिक कफूर, मलिक कफूर। आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी का ग़ुलाम था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार में ख़रीदा था, इसलिए उसका नाम पड़ा 1000 दीनारी और उसका असली नाम था मलिक कफूर। और मलिक अल्तूनिया कौन थे? मलिक अल्तुनिया थे रजिया सुल्तान के हस्बैंड जो के थे भटिंडा के रूलर। ओके, विच सिटी इज नोन एज द शिराजे हिंद। शिराजे हिंद किसको कहा जाता है? तो बच्चों वो कहा जाता है जौनपुर को। जौनपुर को शिराजे हिंद कहा जाता है। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम जौना खान, इनके नाम पे एक सिटी है, कौन सी है? जौनपुर। किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर का दूसरा नाम शिराजे हिंद, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस दाग एंड हुलिया सिस्टम। दाग और हुलिया सिस्टम किसने चलाया था? तो वो चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको बताया था दाग क्या था? ब्रांडिंग ऑफ दी हॉर्सेस, घोड़ों पे मोहर लगाना। हुलिया सिस्टम यानी इसको हिंदी में चेहरा सिस्टम भी कहते थे, आर्मी को यूनिफॉर्म देना। ठीक है, परमानेंट आर्मी बनाई थी इन्होंने, याद होगा आपको। ठीक है, वो क्रिएटेड परमानेंट आर्मी या स्टैंडिंग आर्मी, तो अलाउद्दीन खिलजी। हु इंट्रोड्यूस हके शर्ब। हके शर्ब किसने चलाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ये क्या था बच्चों? ये एक इरीगेशन टैक्स था। ठीक है, हके शर्ब। विच रूलर ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी किसने ट्रांसफर करी थी अपनी कैपिटल? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। द रूलर हु इज नोन एज मैड सुल्तान, मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, इनको कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। ठीक है, मैड सुल्तान। इनको मैड सुल्तान क्यों कहते थे? तो इनकी पॉलिसीज फेल होने की वजह से। ठीक है, हालांकि ये बहुत पढ़े लिखे थे, वन ऑफ द मोस्ट लर्न स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। ठीक है, तो लेकिन इनकी पॉलिसीज फेल हो रही थी, इस वजह से इनको मैड सुल्तान कहा जाता था। द रूलर हु एस्टैब्लिश दीवान इश्तियाक, अभी बताया फिरोज शाह तुगलक। दीवान इश्तियाक ये बच्चों क्या था? ये पेंशन डिपार्टमेंट था, पेंशन। ठीक है, पेंशन डिपार्टमेंट था। और दीवान खैरात क्या था? तो वो था चैरिटी डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान खैरात वाज द डिपार्टमेंट ऑफ। दीवान खैरात अभी मैंने बताया कौन सा डिपार्टमेंट था? चैरिटी। पेंशन वाला कौन सा था? दीवान इश्तियाक। स्लेव्स वाला दीवान बंदगान। मलिक अल्तुनिया वाज दी रूलर ऑफ, अभी बताया था ये रजिया सुल्तान के हस्बैंड थे, भटिंडा के रूलर थे। चेरामन मॉस्क इन इंडिया इज लोकेटेड इन, इंडिया की पहली मस्जिद है चेरामन मॉस्क। कहाँ है? केरला में। केरला में भी कहाँ? थ्रीसूर डिस्ट्रिक्ट, मिथाला। ठीक है, थ्रीसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिथाला एक जगह है, वहाँ पर। विच रूलर स्टार्टेड तुर्के चहलगनी। तुर्के चहलगनी या हिंदी में इसको कहते हैं दल चालीसा। 40 लोगों की एक फौज, 40 लोगों की एक पुलिस किसने बनाई थी? तो इल्तुतमिश ने बनाई थी। विच रूलर इंट्रोड्यूस नौरोज फेस्टिवल। नौरोज का फेस्टिवल किसने दिया था? तो वो दिया था बलबन ने। इंडिया में पर्शियन कल्चर बलबन ने दिया था। ठीक है, और अपना लिंक भी एक खानदान से जोड़ा था, रॉयल फैमिली से, उसका नाम क्या था? अफरासियाब। दो पॉलिसी, आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी, सजदा एंड पैबोस, इन्होंने दी थी। ठीक है, विच रूलर इन दिल्ली सल्तनत अडॉप्टेड दी कुबा एंड कोला। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन मैंने डाला है, लेकिन मैंने आपको बताया है पढ़ाते वक्त। कुबा एंड कोला किसने फॉलो किया था? तो रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान। कुबा क्या था? ब्लेजर। कोला क्या होता है? कैप, वेस्टर्न आउटफिट एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट अफगानी सुल्तान इन दी दिल्ली सल्तनत। फर्स्ट अफगानी सुल्तान कौन है दिल्ली सल्तनत में? तो वो है बच्चों बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, और ये फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी भी हैं। ठीक, और ये पहली अफगानी डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत में, इनसे पहले तुर्क्स थे लोग। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? अभी बताया बहलोल लोधी। इब्ने बतूता विजिटेड द कोर्ट ऑफ। इब्ने बतूता किसके वक्त में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। द ओनली रूलर इन द दिल्ली सल्तनत हु डाइड इन द बैटल फील्ड वाज। ऐसा कौन सा इकलौता रूलर है दिल्ली सल्तनत में जिसकी मौत मैदान जंग में हुई है? तो वो हुई है इब्राहिम लोधी की, बाबर से लड़ते वक्त फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में। ओके, हु बिल्ड दी सिटी ऑफ आगरा। सिटी ऑफ आगरा किसने बनाई बच्चों? तो सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने आगरा बनाया था, और पहली दफ़ा आगरा को कैपिटल भी अपना बनाया। दिल्ली से आगरा शिफ्ट किसने की? कैपिटल पहली दफ़ा तो सिकंदर लोधी। आगरा का शहर किसने बनाया? तो सिकंदर लोधी। और बच्चों ये पोएट भी थे, पोएट्री लिखा करते थे। इनका तखल्लुस पेन नेम क्या था? सिकंदर लोधी का पेन नेम, इनका पेन नेम क्या था बच्चों? पेन नेम था, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पेन नेम था इनका गुलरुखी। गुलरुखी के नाम से ये लिखते थे। आपसे पूछ सकते हैं कौन से सुल्तान, विच सुल्तान रोट अंडर द पेन नेम ऑफ गुलरुखी? तो सिकंदर लोधी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट तुजू के बाबरी। तुजू के बाबरी किसने लिखी? तो बच्चों बाबर ने लिखी है। बाबर ने लिखी है, और ये किस लैंग्वेज में है बच्चों? तो ये तुर्किश लैंग्वेज में है। तुर्किश में, तुर्किश, ठीक है, तुर्किश लैंग्वेज। बाबर नामा या तुजू के बाबरी किस लैंग्वेज में है? तो तुर्किश लैंग्वेज में। किसने लिखी? बाबर ने, ठीक है। और इसका पर्शियन ट्रांसलेशन किसने किया है? अब्दुल रहीम खान खाना। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है? A.S. बेवरेज ने। बच्चों पूरी मुगल अंपायर में दो ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपनी बायोग्राफी लिखी है, एक बाबर और दूसरे जहांगीर, ठीक है। कबीर दास लिव्ड इन द टाइम पीरियड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर, ठीक है। कबीर दास किस मुगल बादशाह के दौर में थे? तो इसका सही आंसर है बच्चों अकबर के वक्त में। हु बिल्ट काबुली बाग मस्जिद? काबुली बाग मस्जिद किसने बनाई है? तो ये बनाई है बाबर ने। बाबर ने आफ्टर द विक्ट्री ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई की जीत की खुशी में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जब बाबर ने जीती उसकी खुशी में काबुली बाग मस्जिद बनाई थी। कहाँ? पानीपत में। द बैटल ऑफ कन्नौज वॉज फॉट इन, बैटल ऑफ कन्नौज कब हुई थी? 1540 में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है। इस लड़ाई को कौन जीतता है? तो शेरशाह सूरी जीतते हैं और फिर यहाँ पे सूरी एम्पायर आता है। इस लड़ाई का दूसरा नाम भी है बच्चों, ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है दूसरा बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं विच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ सूरी एम्पायर इन इंडिया? तो बैटल ऑफ कन्नौज। हु मेड द सिटी दीनपना? दीनपना नाम का शहर किसने बनाया? तो ये बच्चों बनाया था हुमायूं ने, याद रखेंगे। हुमायूं ने दीनपना सिटी बनाई थी और यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी बनाई थी जहाँ से गिरकर हुमायूं की डेथ भी होती है। तो ये भी पूछ लेते हैं किस बादशाह की मौत लाइब्रेरी, अपनी लाइब्रेरी बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं, ठीक है। उस लाइब्रेरी का नाम क्या था बच्चों? तो वो था शेर मंडल, शेर मंडल, ठीक है। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट इन, अभी मैंने ट्रिक बताई थी बाबर वाली। बैटल ऑफ खानवा कब हुई थी? ठीक है, देखिए 26 में पानी पिया था, 27 में खाना खाया था, तो 1527 बैटल ऑफ खानवा 1527। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नूरजहां? नूरजहां का बच्चों असली नाम क्या है? नूरजहां का असली नाम है बच्चों मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा। और ये किसकी वाइफ थी? जहांगीर की वाइफ। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, नूरजहां है जहांगीर की वाइफ, इनका असली नाम है मेहरुन्निसा, ठीक। और मुमताज महल है शाहजहां की वाइफ, उनका असली नाम है अर्जुमन बानो बेगम। क्लियर? द टाइटल ऑफ आलमगीर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर? आलमगीर किसको कहा जाता था? तो कहा जाता था औरंगजेब को। और बच्चों यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ये भी बता दूं, औरंगजेब की डेथ कब हुई है? 1707 में। 1707 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट के बाद सारे मुगल्स क्या कहलाते हैं? तो लेटर मुगल्स कहलाते हैं। और बादशाही मस्जिद, ये भी याद रखिएगा, बादशाही मस्जिद किसने बनाई? तो औरंगजेब ने। आलमगीरी गेट औरंगजेब ने। आलमगीर नामा किसने लिखा? तो मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने। ये भी याद रखिएगा, मैं यहीं आपको बता दे रहा हूँ। और औरंगजेब की अगर कब्र पूछ लें कहाँ है? तो औरंगाबाद में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ बहादुर शाह जफर? बहादुर शाह जफर का तखल्लुस क्या था? तो जफर था, ठीक। Who is the founder of चिश्ती ऑर्डर इंडिया? अभी मैंने आपको बताया था चिश्ती सिलसिले की शुरुआत इंडिया में किसने करी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने। इंडिया में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने, और दुनिया में तो वो करी थी अबू इशाक शामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द सुल्तानुल मशायख? सुल्तानुल मशायख किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तानुल मशायख। और इनको महबूब इलाही भी कहा जाता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तानुल मशायख और महबूब इलाही भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख अहमद सिरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह बिलोंग्स टू विच सूफी ऑर्डर? तो शेख अहमद सिरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी सिलसिले को बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी नक्शबंदी सिलसिले के हैं, और शेख अहमद सिरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह वो भी नक्शबंदी सिलसिले के हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बिलोंग्स टू विच सूफी ऑर्डर? तो बच्चों ये बिलोंग करते हैं नक्शबंदी सिलसिले से, अभी मैंने आपको बताया। हु इज़ दी फाउंडर ऑफ सिखिज्म? सिखिज्म के फाउंडर कौन है? तो ये है गुरु नानक, याद रखेंगे गुरु नानक। और ये सिखों में 10 गुरु आए हैं, तो ये पहले हैं, फर्स्ट सिख गुरु हैं गुरु नानक, और ये क्या नाम है, सिखिज्म के फाउंडर भी हैं। हु इज़ दी ऑथर ऑफ दी रामचरितमानस? रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास ने। Who launched मनसबदारी सिस्टम? मनसबदारी सिस्टम किसने चलाया? तो अकबर ने चलाया था बच्चों, मनसबदारी सिस्टम अकबर ने चलाया। और बच्चों एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और बता रहा हूँ, शायद मैंने इसमें नहीं डाला है, भूल गया हूँगा। तो एक क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी किसने बनाई, तो अकबर ने, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था बच्चों अकबर ने, तो पूछ लेंगे बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया, अकबर ने। यह इस क्वेश्चन को ऐसे पूछते हैं, एक मॉन्यूमेंट बनाया था अकबर ने विक्ट्री ऑफ गुजरात की खुशी में। जब अकबर ने गुजरात को जीता था तो एक मॉन्यूमेंट बनाया था, तो वो कौन सा था, तो वो बुलंद दरवाज़ा था। विक्ट्री ऑफ गुजरात की खुशी में अकबर ने कौन सा मॉन्यूमेंट बनाया, बुलंद दरवाज़ा। कहाँ, फतेहपुर सीकरी में, याद रखेंगे। हु बिल्ट मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद किसने बनाई, तो शाहजहां ने, ठीक है। When was टीपू सुल्तान मार्टियर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीपू सुल्तान कब शहीद हुए, तो 4 मई 1799, 4 मई 1799। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल नेम ऑफ टीपू सुल्तान वाज, टीपू सुल्तान का नाम बच्चों मैंने बताया था बहुत लंबा सा नाम था, बादशाह नसीबुद्दौला सुल्तान फ़तेह अली बहादुर साहब टीपू, लेकिन आपको मैंने कहा था आप फ़तेह अली सिर्फ याद रखिएगा, तो टीपू सुल्तान का असली नाम फ़तेह अली याद रखेंगे। और इनकी बर्थ डेट भी इंपॉर्टेंट है, बर्थ डेट टीपू सुल्तान की क्या है, बर्थ डेट 20 नवंबर 1750, ठीक है, बर्थ है ये टीपू सुल्तान की बर्थ डेट, ठीक है, देवनाली में पैदा हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा किसने बनाया, औरंगजेब ने बनाया बच्चों, औरंगजेब ने बनाया था अपनी वाइफ की कब्र, इनकी वाइफ की कब्र है, इनकी वाइफ की कब्र है। इनकी वाइफ का नाम बच्चों असली नाम था, औरंगजेब की वाइफ का असली नाम है दिलराज बानो बेगम, और उनका एक टाइटल भी था, क्या था, राबिया उद दौरानी। औरंगजेब की वाइफ का टाइटल क्या था, राबिया उद दौरानी। ऐसी अकबर की वाइफ का टाइटल क्या था, तो वो था मरियम उज जमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द इत्मादुद्दौला, इत्मादुद्दौला किसको कहा जाता था, ये कहा जाता था मिर्ज़ा गयास बेग, मिर्ज़ा गयास बेग, ये नूरजहाँ के फादर थे, ठीक है, मिर्ज़ा गयास बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इज नोन एज, मुगलों के दौर में बहुत सारी किताबों के पर्शियन ट्रांसलेशन हुए, तो महाभारत का भी पर्शियन ट्रांसलेशन हुआ था अकबर के वक्त में, अकबर के ऑर्डर पर, तो वो किस नाम से हुआ था, तो महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन का नाम है बच्चों रज़्मनामा, रज़्मनामा, बुक ऑफ वॉर, रज़्मनामा। और ये किसने किया था बच्चों, तो ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ठीक है, याद रखेंगे। और बच्चों यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन और बता दूं कि अगर पूछ लें मुगल अंपायर की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो उसका आंसर है पर्शियन, और अगर पूछ लें दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो भी पर्शियन। मुगल अंपायर और दिल्ली सल्तनत दोनों की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who started दीन इलाही, दीन इलाही किसने चलाया, तो अकबर ने चलाया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज नॉट बिल्ट बाय द अकबर, इनमें से कौन सा फोर्ट अकबर ने नहीं बनवाया, आगरा का फोर्ट, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, दहलीज ओल्ड फोर्ट या इलाहाबाद फोर्ट, तो आंसर है बच्चों दिल्ली का पुराना किला। अकबर के बच्चों सिर्फ 4 किले हैं, 4 मैंने आपको याद करवाए थे, आला, आला मैंने आपको कहा था ना, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, अकबर के 4 किले जो हैं ये सिर्फ ये हैं, आला, आला, ए से अजमेर, आगरा, लाहौर, इलाहाबाद, आगरा, अजमेर, लाहौर, इलाहाबाद, अकबर के बस ये 4 किले हैं, 5वां कोई भी किला नहीं है अकबर का, इसको याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों ये थे टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड 120 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री एंड इंडो इस्लामिक, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, BA के लिए भी, 11 एंट्रेंस के लिए भी, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए और भी लाते रहूँ। तो चलिए, अगली जो वीडियो मैं लाने वाला हूँ वो टॉप 50 क्वेश्चंस GK की लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।